आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, और इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि जो किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए फोर पैरामीटर्स जो है वो मालूम होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एटॉमिक रेडियस कितना है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना है, कैसे स्ट्रक्चर वो फॉर्म होता है। तो इन्हीं सब की स्टडी जो है आज हम करेंगे, और इसमें आपके सबसे पहले हम जो डायमंड का स्ट्रक्चर है इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है इन एक्चुअल में ये FCC स्ट्रक्चर है। ये FCC स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये डायमंड के स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट व्यू इनके दिए हुए हैं, और इसमें इन एक्चुअल में दो बेसिस एटम होते हैं। कार्बन का जो FCC स्ट्रक्चर बना है ये दो बेसिस एटम से मिलकर बना हुआ है। एक एटम जो 000 पर लोकेट रहता है, अगर हम यहाँ से इसको दिखाने की कोशिश करें तो एक एटम जिसकी लोकेशन 000 ये होती है, और दूसरा एटम जो है उसकी लोकेशन 1/4 1/4 1/4 होती है। ये जो एटम अगर आप देखेंगे तो ये एटम यहाँ पर है, ठीक है, दिस वन इज है, इसकी डिस्टेंस ये 1/4 1/4 इधर से, और फिर ये वाई डायरेक्शन में 1/4। इस तरह से इसकी लोकेशन जो होती है इस एटम की 1/4 1/4 1/4 होती है। तो 1/4 1/4 लोकेशन के जो है इस एटम के अंदर चार एटम होते हैं। दो एटम तो नीचे की तरफ होते हैं आमने सामने, और दो एटम ऊपर की तरफ होते हैं ये भी आमने सामने होते हैं। इन एटम की लोकेशन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन जो है ये टेट्रागोनल फॉर्म में डायमंड के अंदर जो है होता है, तो ये जो चार एक्स्ट्रा एटम है जो उसके अंदर है यूनिट सेल के, तो ये एटम अपने नियर बाई जो और फेस सेंटर्ड एटम हैं तीन, जैसे अगर आप ये देखें ये नीचे वाली फेज है इसका, ये एटम है फेस सेंटर्ड, और ये आपके इधर वाली फेज है ये, इसका ये फेस सेंटर्ड एटम है आगे वाली फेज जो है, और ये राइट लेफ्ट साइड में एक फेस आप देख रहे हैं इसका, ये फेस सेंटर्ड एटम है, ये इसके सेंटर पर है। तो ये जो कार्बन का एटम है जो 1/4 लोकेशन पर है, ये आपके जो कॉर्नर का एटम है उससे बॉन्डिंग करता है, और फिर एक जो लोअर सरफेस है उसके फेस सेंटर्ड एटम से बॉन्डिंग करता है, एक आगे वाली फेस जो है उसके सेंटर से बॉन्डिंग करता है, और जो लेफ्ट साइड में फेस है उसके सेंटर से बॉन्डिंग करता है। यानी जो तीन फेस मिलकर वो कॉर्नर बना रही हैं, जिस कॉर्नर में 1/4 1/4 1/4 लोकेशन पर वो एटम जो है लोकेटेड है, तो उन तीनों फेसेस के सेंटर के एटम से भी ये बॉन्डिंग करता है और अपना कार्ब जो टेट्राहेड्रन फॉर्म है उसमें एडजस्ट होता है, और यही ये चारों एटम करते हैं। सामने वाला एटम भी जिन तीन फेसेस से मिलकर वो कॉर्नर बना हुआ है उन तीन फेसेस के सेंटर से वो करते हैं बॉन्डिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ ये दिखाया हुआ है आपको, ये चारों बॉन्डिंग ये रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चारों ही एटम जो है जो दो नीचे के हैं वो अपने जो फेसेस बना रहे हैं कॉर्नर के उनसे बॉन्डिंग करते हैं, और जो
कॉर्नर के एटम हैं उनका तो आपको पता ही है कि वो एफसीसी में किस तरह से बॉन्डिंग बनाती हैं। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको समझना है तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। आप लोग अपने कमरे में बैठे हुए हैं, सभी लोग जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक वॉल की तरफ फेस करके खड़े हो, मतलब बैठ जाएं, जिससे मुझे आपको लोकेशन समझाने में आसानी रहे। यस सर, बैठ गए। बैठ गए तो देखो, आपके सामने वाली वॉल, आपके लेफ्ट साइड वाली वॉल और फ्लोर, इन तीनों से मिलकर जो कॉर्नर बन रहा है, ठीक है, तो yes. इस कॉर्नर में 1/4, 1/4, 1/4 लोकेशन पर आप एज्यूम करो कि कोई एटम वहां पर है। एक कॉर्नर में आपको दिख जाएगा एक बीच में हवा में आता हुआ एटम, जो तीनों एक्सिस से 1/4, 1/4, यानी कि जो वॉल लेंथ है आपकी, अगर आप क्यूब मान रहे हैं अपने कमरे को, तो उसकी 1/4, 1/4, 1/4 डिस्टेंस ले लो और उसमें सेंटर में मालूम पड़ जाएगा, सॉरी सेंटर में नहीं, कॉर्नर में एक दिख गया। सो 1/4, 1/4 से तीन देखने से समझ नहीं आया। तीनों, ठीक है ना, सामने वाली वॉल से 1/4, लेफ्ट वाली वॉल से 1/4 और फ्लोर से 1/4। मतलब फ्लोर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो, सामने वाली बॉल को 4 हिस्से में डिवाइड कर लो और लेफ्ट वाली बॉल को 4 हिस्से में डिवाइड कर लो, तो ऐसे हवा में लटका हुआ सा एक पॉइंट आ जाएगा कॉर्नर में। दिख गया? यस सर। मतलब सर वो कॉर्नर के पास में थोड़ा सा, हाँ, कॉर्नर के पास में उस तरह से आ जाएगा, जैसे ये आइटम आ रहा है ना, ये वाला, ये देख रहे हो ना, जैसे ये वाला आइटम आ रहा है। हाँ सर, यही कह रहे थे, ये वाला। हाँ, अब इसके अपोजिट वाला कॉर्नर नीचे, ठीक है ना, नीचे ही ऐसा ही अपोजिट वाला कॉर्नर को राइट साइड में जाएगा आपके, डायगोनल पे आ जाओ उसके। हाँ सर, हाँ सर, वहां भी 1/4 होगा, 1/4, ठीक है, वो ये वाला आइटम हो जाएगा। दिख गया? यस सर। तो ये दो एटम तो ये आ गए, सभी को दिख रहा है आकांक्षा? यस सर। दिख रहा है ना, ठीक है। अब ये तो आपके लेफ्ट वाला कॉर्नर हो गया एक आगे का, और एक राइट वाला पीछे वाला कॉर्नर हो गया, इस तरह से आ गए, ठीक है। अब राइट वाला कॉर्नर आगे वाला, पीछे वाले में तो आपने नीचे देख ही लिया एक एटम आ ही रहा है, और लेफ्ट वाले में एक आगे वाले कॉर्नर में आ रहा है, दो कॉर्नर है ना लेफ्ट में आपके, एक आगे एक पीछे है, तो एक आगे वाले में एज्यूम कर लिया आपने और एक पीछे, राइट वाले पीछे वाले में एज्यूम कर लिया नीचे से, ठीक है। तो ये दोनों आइटम हो गए। अब राइट में ऊपर वाले कॉर्नर में जाओ, राइट में आगे का ऊपर वाला कॉर्नर, राइट में आगे का ऊपर वाला कॉर्नर, तो वो कॉर्नर बन रहा है आपके आगे जो वॉल है उससे, राइट साइड में जो वॉल है उससे और सीलिंग से, ठीक है। तो उस कॉर्नर में सीलिंग से 1/4, राइट वाली वॉल से 1/4 और सामने वाली वॉल से 1/4, तो आपको ये वाला आइटम मिल जाएगा। देखो हवा में लटका हुआ जैसे पंखा लटका हुआ है, दिख गया वो एटम? Yes, sir. अब इसके अपोजिट वाला, तो वो लेफ्ट साइड में पीछे की वॉल पे आ जाएगा, पीछे वाला कॉर्नर आ जाएगा ऊपर ही। सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, दिख गए ये चारों आइटम? Yes, sir. इस तरह से डायमंड में सिचुएटेड है ये। ठीक है।
ठीक है सर। ऑल्सो वो क्या है सर, मतलब बाकी सब तो एक तो फेसेस पे हो गए, एक हमारे कॉर्नर पे हो गए और हमारे चार जो हो गए टेट वाइड पे हो गए। हाँ। एक बना हुआ है सर, वो बीच में है क्या? कौन सा बीच में? कोई नहीं है, आप देखो सर, ये लेफ्ट वाली बॉल का फेस का है तुम्हारी, ये वाला तुम्हारे ग्राउंड फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर वाला है, ग्राउंड फ्लोर नहीं सॉरी फ्लोर वाला है, ठीक है। ये तुम्हारी राइट वाली बॉल जो है उसका फेस का एटम है, यस ऊपर का हो गया। हाँ, ये तुम्हारे सामने वाली बॉल का है। अच्छा हाँ, ठीक है, वो ऊपर सीलिंग का है। ओके देखो सारे है गए, सारे दिख गए ये सब, बाकी सब कॉर्नर के हैं। तो स्ट्रक्चर क्लियर हुआ डायमंड का अच्छी तरह से? यस हाँ, इसका बनाना बहुत टेढ़ी चीज है, बार बार प्रैक्टिस करके बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है ना, इतना टफ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जो स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है, और इसको प्रैक्टिस करें ठीक से। तो चलिए आगे के पैरामीटर निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर आप देखेंगे तो 1/8 इंटू 1/8 इंटू 8, ये तो 8 कॉर्नर वाले हो गए, प्लस 1/2 इंटू 6 ये फेजेस के हो गए, प्लस 4 इनसाइड, प्लस 4 जो अंदर हैं जो किसी से शेयर नहीं हो रहे हैं, तो कितने हो गए? 1, 3, 4, 8 तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल डायमंड में 8 होता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अगर आप देखें ये जो कॉर्नर वाला जो एटम है, जो हवा में लटके हुए एटम है, इसके नियर बाय ये 4 एटम ही है बस, तीनों फेस के और एक कॉर्नर का, बाकी सब दूर दूर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 4। डायमंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। अब क्योंकि ये दोनों पास हैं, तो ये ही एटम जो है एक दूसरे को टच करेंगे, तो एटॉमिक रेडियस जो कैलकुलेट होगा इन्हीं एटम से कैलकुलेट होगा इन दोनों के बीच का। तो ये डिस्टेंस दिखाया हुआ है यहाँ पर, इसको अगर हम एक्स ले लें और इसको वाई ले लें, इस वाले एटम को, ठीक है, मीन्स ये वाई है और ये एक्स है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो a बाई 4 ये इस तरह से करके दिखाया हुआ है, a बाई 4 इसकी लोकेशन, ठीक है, और तब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन इट विल कम्स आउट a/8√3। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो a/8√3 होता है। तो देखो फिर से दिखा दीजिए वो 2R वाला। हाँ ये देखो, इसकी अगर आप लोकेशन करोगे तो a/4 तो इस तरफ आया और a/4 ये इस डायरेक्शन में चला और फिर a/4 ये ऊपर की तरफ चला, तो पहले आप इन दोनों से ये वाली डायरेक्शन निकालोगे, यस सर, और फिर इन दो से आप ये एक्स वाई डिस्टेंस निकालोगे, यस सर, और इसका जो हाफ होगा वो एटॉमिक रेडियस बनेगा, तो ये आएगा 2r = a/4√3 और r = हो जाएगा a/8√3। एटॉमिक रेडियस जो है वो a/8√3 होता है डायमंड, ठीक है। नंबर ऑफ एटम निकाल लिए आपने, कितने हैं? 8 8
ऑर्डिनेशन नंबर 4 और एटॉमिक रेडियस a बाई 8 रूट 3। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसका कैलकुलेट होकर आता है 0.34। ये वो काफी कम है सर। हाँ, तो 34% है ऑक्यूपाइड है वॉल्यूम डायमंड का, बाकी जो है सारा वॉइड है, फ्री है। तो डायमंड का जो पैकिंग फैक्टर है वो बहुत कम होता है, मोस्टली स्पेस जो है वो खाली होता है। इसीलिए जो डायमंड है वो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। फिर भी हम इसको स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट में काउंटिंग होती है। तो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट में काउंटिंग होती है, याद करिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसके प्लेन की वजह से। इसका जो एक ये जो एटम है ये आपके, आप देखें ये किस प्ले, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा। तो जो प्लेन का आप रेशो निकालेंगे इसका, वो इसको स्ट्रॉन्गेस्ट या टफेस्ट बनाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो प्लेन्स है उनकी लोकेशन जो है वो मटेरियल को स्ट्रॉन्गेस्ट वगैरह बनाती है। तो ये वाला जो एटम है ना, ये जो है जो कॉर्नर में आ रहा है, इसकी वजह से जो है ये यहाँ पे ये प्लेन बन नहीं पाएगा। इस तरह से आएगा इसका प्लेन जो है 1/4 से, तो ये उसमें आएगा। इसको यहाँ इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं, आप ये देख रहे हो ना, ये तिरछा एक एटम आ रहा है, तिरछा एटम आ रहा है इस वाले में, देखो ये आप, क्योंकि ये तो हवा में है तो ये ऊपर की तरफ आएगा, तो इस वाले प्लेन में लाई कर रहा है जो इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। मैंने शायद पहले भी आपको एक बार बताया था, 111 प्लेन में लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ये टफेस्ट मटेरियल में काउंट होता है। ठीक है, तो डायमंड का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सबको अच्छी तरह से? Yes. चलिए, तो अब इस पे फिर हेडिंग तो डाल ही लिया होगा, डायमंड का स्ट्रक्चर। यस सर, यस सर, स्ट्रक्चर आप बना ही लेंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा इसका। सी बनाना पड़ेगा वहां पे लाइक, हां एग्जाम में बनाना पड़ेगा। राइट वाला, सॉरी राइट वाला बना दे, वो ज्यादा सिंपल है। राइट वाला बना देना चलो। एक्चुअल में तो मैं लग रहा है देखने में टफ, लेकिन जब आप बनाओगे ना तो नहीं, से वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, फिर ऐसे जो एग्जामिनर है उसको भी लगेगा क्या बना दिया। नहीं, एग्जामिनर सब समझ जाते हैं, हम समझ जाएंगे सब, पर राइट वाला ये वाला बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो लिखें इसमें द डायमंड स्ट्रक्चर is a FCC structure with bases of two carbon atoms with two carbon atoms, one located at and other at 1/4
associated with each lattice point. Figure shows the positions of atoms in the cubic cell of diamond structure. Sir, of atom ke baad? Of atoms in the cubic cell of the diamond structure on a cubic face. So of the diamond structure or diamond structure projected on a cubic face. Projected on a cubic face. The fraction denotes, the fractions denote the fraction denote height above the base height above the base. क्योंकि देखो अगर आप फिगर देखोगे तो इसमें दो एटम तो 1/4 दिखाए हुए हैं आमने सामने के, लेकिन दो एटम 3/4 दिखाए हुए हैं, तो ऊपर से 1/4 नीचे से 3/4 होंगे. Yes. तो ये हाइट बता रहे हैं. द फ्रैक्शंस डिनोट हाइट अबव द बेस इन यूनिट ऑफ ए क्यूब बेस. In unit of? In unit of a cube age. अच्छा. अब देखो एक पॉइंट ये आप देख रहे हो इसमें जीरो और हाफ दिख रहे हैं, तो ये जीरो कॉर्नर का एटम है और हाफ जो है वो फेस के सेंटर का एटम है. तो द पॉइंट्स जीरो एंड हाफ, द पॉइंट्स जीरो एंड हाफ आर ऑन द आर on the FCC lattice, are on the FCC lattice
while though that while those at 1 by 4 and 3 by 4 are on a similar lattice displaced yes along the body diagonal by 1/4 of its length In this way, the diamond structure sir, its length ke baad kya bola? In this way, the diamond structure is a combination of two interpenetrating penetrating face centered cubic sublattice. Connecting के बाद क्या बोलेंगे सर? Into two interpenetrating face centered sublattice. Each atom in this structure has four nearest neighbors
ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर पॉइंट, ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर पॉइंट ऑफ ए, ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर पॉइंट ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन, ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर इज फोर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज फोर इन डायमंड यूनिट सेल। नेक्स्ट लाइन में इन डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल there are eight corner atoms six face centered atoms face-centered atoms and four tetrahedral position atoms. Therefore, the number of atoms, in diamond cubic unit cell, equals to 1 by 8 into 8 plus 1 by 2 into 6 plus 4 equals to 8. नेक्स्ट लाइन में इन डायमंड यूनिट सेल
कॉर्नर एटम एंड टेट्राहेड्रल एटम टच ईच अदर touch each other. So according to geometry, we obtain atomic radius r equals to a root 3 by 8. फिर एक बार वो डायग्राम दिखा दीजिए वो टू आर वाला स्क्रीनशॉट ले लिया इसका मैंने कितनी बार कहा स्क्रीनशॉट ले लो भाई हाँ वो डायग्राम बना लिया था ऊपर वाला तो डिलीट कर दिया था तो इसको अच्छा चलो कोई बात It is a loosely packed structure because atomic packing factor is only 0.34 नेक्स्ट लाइन से कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एंड ग्रे टिन क्रिस्टलाइज लास्ट में है कैसे ग्रेट लिंक मुझे समझ नहीं आया सर ग्रेट टिन मटेरियल होता है मनीष सर से पूछना जी आर ई वाई ग्रे ग्रे नहीं जानते ग्रे कलर अच्छा ग्रेट टिन ओके सर ग्रेटिंग वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जैसे ग्रेट टिन टी आई एन यस ग्रेट टिन crystallized in diamond structure. तो चलिए ये था आपका डायमंड का स्ट्रक्चर